हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कविता। आज हम लोग नवरात्रि के लिए स्पेशल लड्डू देखेंगे मूंगफली और मखाने के। ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस है और ये चॉकलेट की जगह आप बच्चों को ये लड्डू दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मखाने। मखाने मैंने 80 ग्राम या 90 ग्राम पकड़ लीजिए, ये रहेंगे 80 या 100 ग्राम के आसपास है। और सेम कटोरी से मैंने मूंगफली लिए, मूंगफली मैंने छिलका निकाल के भूंज के लिया है। और ये है गुड़ का पाउडर। जो सारी चीज़ें व्रत में हम लोग खाते हैं वही आज इस्तेमाल होगी। और डेकोरेशन के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी डेसिकेटेड कोकोनट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो मखाना है इसको ड्राई रोस्ट करके लेंगे। मूंगफली तो हम लोगों ने ऑलरेडी रोस्ट करके ली है, अभी हम लोग मखाना को अच्छे से रोस्ट करके लेंगे ताकि ये क्रंची बन जाए। ये जो भी हम लोग मार्केट से लाते हैं तो ये एकदम नरम रहता है, तो इसको हल्का सा रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें क्रंच आएगा। एक कढ़ाई लेंगे हम लोग, नॉन स्टिक की लीजिए, उसमें हम लोग ये मखाना ऐड करेंगे और इसको हम लोग रोस्ट करके लेंगे ताकि इसका जो भी नरम जो रहता है मखाना वो पूरा निकल जाए और ये अच्छे से क्रंची हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करके लेना है। हम लोग सब साइड से इसको सेक के लेंगे अच्छे से, अच्छे से रोस्ट करेंगे तभी ये क्रंची होगा। आप एक ही साइड पे रखेंगे तो ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट कड़वा आएगा, इसलिए हमें इसे लगातार भूंजते रहना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ये रोस्ट हो जाते हैं और अच्छे से हम लोग हाथ से प्रेस करते हैं तभी भी ये आराम से टूट जाते हैं। ये देखिए अभी ये मखाना अच्छे से रोस्ट हुए हैं, इनको हम लोग मिक्सर के जार में शिफ्ट करके लेंगे और इसका एक अच्छे से पाउडर फॉर्म में इसको ये करके लेंगे, बारीक करके लेंगे। ये मखाने को हमने मिक्सर के जार में निकाल दिया है, अब हम इसका बारीक दरदरा पाउडर करके लेंगे। ये पाउडर को हम लोगों ने बारीक करके लिया है, मखाने के पाउडर को, इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम उसी जार में हम लोग ये जो रोस्ट हुई हुई मूँगफली है वो भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे और इसका भी पाउडर बना के लेंगे। वो भी हमने बारीक करके लिया है, अब इन दोनों को हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची पाउडर ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं है तो आप मत यूज़ कीजिए। अब हम लोग कढ़ाई गरम करने के लिए रखेंगे और ये जो गुड़ लिया है हम लोगों ने ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये गुड़ को हम लोग अच्छे से मेल्ट करके लेंगे। ये व्रत में खाने वाली एक स्वीट डिश आप बोल सकते हैं,
अभी नवरात्रि चालू है तो आप इसे ज़रूर बना के देखिए और कमेंट कीजिए मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ये गुड़ को हम लोग लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। ये मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है तो नॉर्मल येलो कलर का आता है वो लिया तो भी चलेगा। सिर्फ ध्यान ये रखिए जब भी आप गुड़ लेंगे तभी इसको अच्छे से बारीक करके लें, अगर आप इकट्ठा डालेंगे तो ये पिघलने में टाइम लेगा और कड़क हो जाएगा। अब मैं इसमें सिर्फ एक चम्मच पानी ऐड करूँगी, ये देखिए सिर्फ एक चम्मच डाल रही हूँ मैं ताकि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए, और एक चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं। ये देखिए हमारा गुड़ अभी अच्छे से मेल्ट हुआ है। अब हम इसी स्टेज पे ये जो मखाना और मूंगफली का मिक्सचर है वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें दो चम्मच घी डालूंगी ताकि ये सॉफ्ट बने। छोटे छोटे पोर्शन में हम लोग लड्डू बना के लेंगे, ये देखिए। ये देखिए छोटे छोटे बॉल के साइज में हम लोग बना के लेंगे ताकि हर कोई ये आसानी से खा सकता है। ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, छोटे छोटे साइज के ही बनाइए राउंड शेप में। अगर आपको इसका पेड़ा बनाना है तो आप पेड़ा भी बना सकते हैं। पेड़ा बनाने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट में लेना पड़ेगा। और इसको हम लोग ये देखिए ये जो हमारा हाथ है इससे हम लोग हल्का सा प्रेस करेंगे, ये देखिए। इसमें हम लोग ये हल्का सा ऐसे प्रेस करके लेंगे पर रखेंगे, और ये जो लड्डू है वो भी हम लोग इसमें अच्छे से कोट करके लेंगे, ये देखिए।